आज नाश्ते में मैंने बनाई है सूत फेंगे। आज इस लड़के का बर्थडे है गाइस, ये पूरा दिन गेम खेलता है। इधर देखो, ये परेशान है। अभी दोपहर का वक्त हो गया, सारे काम हो गए हैं। अम्मी ने रोटी बना दी थी, अभी हम नेनुआ की सब्जी बनाने जा रहे हैं। और आज आई हुई है दीपाली। अम्मी ने कुछ स्पेशल टाइप का ढोकला बनाया है, इसमें चावल का आटा, सूजी और उड़द की दाल, काफ़ी चीज़ें मिक्स की हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में। गाइस, अभी अम्मी बनाने जा रही हैं अरुई के पत्ते की सब्जी। क्या क्या मिक्स की है मैम? नमक, मिर्च, जीरा। ठीक, दाल हमने पीसी है। ओके, ये मैम लेके आई हैं अरुई का। क्या अम्मी कल से पत्ते के इंतज़ार में था, फाइनली आज पत्ता आ गया है, जो कि बहुत ही डिज़ाइनर है। तो प्यारा है ना डिज़ाइन। कैसे, थोड़ा ऐसे वेलवेट वेलवेट सा टेक्सचर है इसका मम्मी, देखो जैसे वेलवेट। अम्मी से कह रहे थे अम्मी नमक मिर्चा डाल के जाइए। अम्मी से हम कह रहे थे अम्मी नमक मिर्चा डाल के जाइएगा। अपने से कट गया, अपने से नमक पड़ गया। नमक डालना भी एक कला है। नहीं कहे थे पर भूल के नहाने चली गई। तो नमक कम क्वांटिटी में डालो जब तुमको ज्यादा लगे, मतलब। तो क्या आपको लगता है कि मेरा दिमाग घुटने में है? हमने ऐसा ही किया था, आपके तरह नहीं। जब हम प्याज काट रहे थे तो सोच रहे थे दीपाली इतनी मोटी मोटी प्याज काटनी है कि अम्मी ऐसे उछाल के फेंक दे अगर हम काट दें। पता नहीं क्यों तुम लोग को बिलीव नहीं होता कि हम बना रहे थे। कभी तुमको हम अपना वो अफगानी चिकन खिलाएंगे, बेहोश हो जाओगे, इसीलिए नहीं खिलाते। मेरे घर पे खिलाना, बेहोश हम कम से कम अपने घर पे खिलाएंगे। नहीं, हम हिमांशु भैया को कॉल कर देंगे, आइए बनाए थे चिकन, बेहोश हो गई। कहेगा नहीं मैं खाऊंगा, मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। नहीं तो वो कहेंगे आइए आप इसको ले जाइए, आप जाके खाइएगा। अरे मम्मी, अरे बेटा, इतने से रोल बना रही हैं मम्मी, अब बहुत अब हमको चिढ़ा रही हैं। इसको फ्राई कैसे करेंगी, बॉईल करेंगी? तो देखते रहो, आगे आगे देखते जाओ। हैप्पी बर्थडे। पहले जब ढेर सारे बच्चे रहते थे, मम्मी को कुछ भी देना रहता था ना, जैसे आप खेलते रहते थे, दे के कह देती थी लो, कोई कहता था क्यों, कह देती थी मेरा बर्थडे है, सब सब विश करने लगते थे, चाहे जितनी बार। नहीं बेटा, बॉईल नहीं करेंगे। वैसे करेंगी क्या, स्टीम देते हैं ना अम्मी जैसे। पहले स्टीम देंगे, समझ गई? आप इतना दिमाग पे जोर ना डाले, नहीं आप पागल हो जाएंगी। इसको इस पे रख दीजिए, इसको प्लेट पर रख दीजिए। नहीं बड़ा है ना, तो वो बेडशीट में भी टच होगा। देखिए आप, नमक टेस्ट लाइए, दे दीजिए, सही होगा। अरे नहीं, क्या पता ऐसे कच्चा कैसे खाएगी। तुम देखा रहो, सही है पक्का। अभी एक बार आप भी कर सकते, आपके हाथ में लगा है। इसमें काफी बन जाएगा।
बॉईल करेंगी फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगी ना, इसको बॉईल करके फिर इसको फ्राई करेंगे फिर ग्रेवी बनाएंगी। एक तरफ ये हो जाएगी, एक तरफ ग्रेवी हो जाएगी, देखना टाइम नहीं लगता, तुम सोचते टाइम लगता है, टाइम मेहनत लगती है, कोई मेहनत नहीं है कोई भी। अरे आपके लिए नहीं है ना, मतलब जब जैसे मेरे यहाँ सब कुछ पिसा पिसाया है, हाँ तो वो नहीं लगता होगा ना, लहसुन पिसा है, मसाला पिसा है, कुछ भी निकालना नहीं, पीसना नहीं, पिसा मसाला निकालना है बस, तुरंत बघार लगाए हो गए। मछली की तरह बहुत अच्छा आता ही है। हाँ कितना टेस्टी लग रहा था ना, एक बार खाए थे हम, क्या नहीं सोकोला नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे आप बोले कि वो है पता है। बताए तो बताओ क्या बोलो, ऐसे तो फटर फटर बोलती, क्या बोले अब ये आंटी जी, इसमें स्टीम करेंगी, क्या लगाएंगे, ऑयल लगाई, ऑलिव ऑयल लगाई है ना, मोटे को मत देना हमको भी, तभी तो मेरा वेट नहीं बढ़ रहा अल्लाह के शुक्र से, मेरे पास भी रखा आंटी जी, तो यूज किया करो, नहीं हमको बहुत गंदा लगता है, टेस्टलेस रहता है दीपाली, हाँ तो टेस्ट वाला चाहिए ना, टेस्टलेस है तो मैं उसमें टेस्ट ही क्या पाऊंगी, ठीक है दे दे, दे देंगे आपके यहाँ यूज हो जाएगा कि नहीं, तो क्या अम्मी तो सब चीज इनके लिए सब इसी में जाते हैं, ज्यादा राजे के लिए बनाते हुए आते हैं, तो ठीक है अजीब सा लगता है ना आंटी जी, हम लोग सरसों को ज्यादा सही लगता है, हमने बनाया पर खाया नहीं। अभी ये आंटी जी निकाल रही है, इसके बाद स्टीम और करेंगी, उसके बाद सारा एक साथ फ्राई करेंगी, फिर मसाला पकाएंगी, फिर उसमें ग्रेवी में ना, ग्रेवी में डालेंगी ना, ये सारा स्टीम हो गया है, ये भी और होना बचा हुआ है, अब इसमें रखिए, ऑयल लगाना है ना, नहीं बस ऑयल एक बार, बहुत लंबा प्रोसेस है भाई साहब कोई लंबा नहीं, हाँ खाने में तो टेस्टी लगता है, तो फिर कोई भी चीज बिना हाथ चलाए नहीं होती, ये आपको कुछ कहीं आपके पास ऑर्डर ना आने लगे कि प्लीज बना के दे दीजिए, प्लीज बना के दे दीजिए, सब बनाते हैं लेकिन हम लोग जैसे नहीं बनाते क्यों लंबा प्रोसेस है भाई, तो क्या किसी और सब्जी, सुनो मेरी बात, बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कट करके जैसे उसकी पालक की पकौड़ी नहीं, हाँ उस तरह बना लेते हैं, आसान लगता होगा ना, वो मजा नहीं आता ना,
लेकिन हम लोग जैसे लोग रहे वैसे ही बनाए ना हुआ ना कट करके पकौड़ी छान के ऐसे बना डाले सकौड़ा कि नहीं उतना अच्छा नहीं आता क्या फायदा पालक की पकौड़ी बनाओ। कुछ पीसेस को अम्मी ने पहले ही फ्राई करके चटनी के साथ हम लोगों को दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मतलब ये है या रिकवच वगैरह तो वैसे भी जो ग्रेवी में जाने से पहले जो उसकी पकौड़ी रहती है वो खाने में अच्छा ही लगता है। यहाँ पर अम्मी अभी बचे हुए पीसेस को फ्राई करेंगी फिर ग्रेवी लगा लेंगी। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। हमने दीपाली की बहुत प्यारी सी छोटी बनाई है। देखिए दीपाली आप कैसी लग रही है इस छोटी पे। बहुत दिन से ये ऐसे ही बाली पहनी है खुली हुई रास्ते में बंद हुई बंद कर दी। चलो बहुत बहुत मुबारक आपको। रास्ते में एक दिन ना एक लोग देख के कह रही है आपकी बाली खुली है तो कह रही गाइस मगरिब की अजान हो गई थी हमने नमाज पढ़ ली कुरान शरीफ भी आज थोड़े दिन के बाद पढ़े। हम आप सबको मेनली हया की हेयर स्टाइल दिखाना चाह रहे थे। इधर देखिए इधर देखिए हया मैम ओहो मज़ा आ गया। चलो क्या पूछी नहीं क्या खाओगी पूरा प्रोसेस नहीं कि जैसे खेलती अरे बाप क्या जला रही हो किस चीज की आग गैस चूल्हा इंडक्शन क्या है लकड़ी चूल्हा में लकड़ी ही रहती है हया चूल्हा उसी को बोला जाता है कुछ भी हो सकता है लकड़ी। नाइस फट से हेडशॉट। वारे हया एकदम क्या हो तुम बुला रही क्या मैं अभी जब पी या पिटोगी हमें लगा शायद अगर बुला रही होंगी तो फिर अभी जा नहीं पाऊंगी। कल ये आई है पढ़ने और आके मगरिब बाद यहीं मगरिब से पहले ना हयू मगरिब से पहले सो गई है 10 बजे उठी है नींद में थी हम क्या अब सो जाओ हया मत जाओ घर 11 बज गया नींद में क्या जैसे हमें घड़ी देखना नहीं आता फिर ये फिर कैसे गई थी हया कैसे गई थी अयान भाई इनके आए थे वो ले करके गए इनको कूड़ा को हाँ रखा भी जाता है अलीना रखा जाता है ये क्या ऐसे ही रखा जाता है तुम तो लग गई अरे फुलौरी बहुत पसंद है पकौड़ी हाँ आता है बनाने अलीना तो पहले ही हाँ जितना मार खाई उतना मारेगी अलीना तुमको है बहुत ज्यादा मार रही हो तुम झिला झिला के चलो।
क्या तुम ये क्या कर रही थी क्या? नहीं, अगर एक बार ये तुम्हारे हाथ तक लाई नहीं कि, और ऐसे किया जाता है जैसे ये ऐसे ऐसे ना उल्लू बनाती है ना, वैसे किया जाता है जिसे तुम कभी हटाओगी कभी नहीं हटाओगी। तो ऐसा ही तो कह रहे ना, हटा लो, इतना ज्यादा मार रही हो तुम। इतने पास पास से हायू नहीं होता बेटा, हम तुझे ये धीरे मार रहे हैं। हो गया नहीं हुआ नहीं। बस अब हम बोर हो गए हैं गाइस, अलीना एकदम डाउन है। अलीना हटाती क्यों नहीं हो बहन, ऐसे कर दिया करो ना दोनों, एक ऊपर एक नीचे। हाँ ये हो गया, नहीं हुआ नहीं। चलो ये हाँ बस नहीं, रात बीत जाएगी। हो गया यू ऑल्सो, ये क्या था यहाँ बैठे बैठे हाय बाय चल रहा है। जल्दी जल्दी बोले जाता था अभी। उड़ता है उड़न खटोला, वो इसीलिए फेमस ही है क्योंकि वो उड़न खटोला है, क्योंकि वो उड़ता है। गाइज अभी अभी के लिए यहीं रोकते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा बोर कर रही हैं हमें भी और आप सबको भी। अरे एक दिन है ना हया आई थी रुकने के लिए, तब हम लोग खेल रहे थे ना रात में, उनो भी खेले थे लेकिन उस दिन ब्लॉग नहीं बना था काफी, हम तो सो भी गए थे, लोग बहुत देर तक खेले थे। तुम नहीं थी, शाद भाई भी आए थे, एक रात रुके थे जब भाई जी आए थे, तो भाई जी शाद रयान तीन लोग बहुत खेल रहे थे लूडो। उनो नहीं मिल रहा है बहन, जैसे एकदम पहले तुम बहुत मन कर रहा है, बहुत फैलवाक चली जाती हो, पूरा समेटना पड़ता है। अपना हेयर कट दिखाना जरा ऐसे, असलान बेटा हेयर कट थोड़ा दिखाना ऐसे, गाइस देख रहे हैं। हाँ जो हाफ बैकलेस पहनी है ना हाफिज जी के सामने ऐसे जाइएगा। ये कह के तो मेरी फ्रेंड बोल रही है। हाँ क्या कही थी? हाफिज जी के सामने ऐसे किसको पहन दिया तो क्या होगा, क्या बोलेंगे हाफिज जी? हाफिज जी क्या बोलेंगे, हाफिज जी क्या बोलेंगे अगर ऐसे चली गई तो? इनके हाफिज जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं पता है। एक बार हम गया फूफू के यहाँ और घर में हम रील देख रहे थे, 20 से बैक कर दिए, जैसे ही लॉक खोले जोर से गाना बज गया, कहे कि कौन है अंदर, बिल्कुल तमीज नहीं है हमको, महविश को हंसने दो वहीं पे। अब गलती से बजा था, तुम बोली थी हाफिज जी, हम लोग कुछ बोले ही नहीं कि अंदर वाला अंदर ही रहे, हाफिज जी जान ही ना, बता दी थी ना तुम लोग की बहन आई है। याशी बकलो लेना कहीं वो अप्पी है, अरे वो छोटे, अरे वो अप्पी है। बात तुम बेचारी का मजाक उड़ाती हो, नहीं देंगे और सुनोगी नहीं देंगे। अगर तुम आज उनो निकल गया, निकल जा आज उनो निकल गया ना, अब तुम इसको समेट के ही जाओगी, चाहे असलान जितना डांटेगा समेट के ही जाओगी, सुन लियो बेगैरत।
एक दिन किसको हराए थे अली ने तुमको ना, बहुत जल्दी हराए थे एक दिन तुमको हम हराए थे ना। तुम नहीं, हम नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं रोटी बनाने, रोटी गई हैं अपनी चाची को देखने। तैयब भी एक बताता है चाचा नवनत बतायदा, पूरा बोलता है भैया देहाती, बहुत बढ़िया बोलता है ना, बहुत बढ़िया। कभी गाली बक देता है, कभी कहता है नहीं नहीं तोबा तोबा, गाली बकना बहुत बुरी बात होती है, खूब लेक्चर देने लगता है, तोबा अल्लाह पाक गुनाह देते हैं, और कभी कभी गाली बक के बताता है, सब फ़ोन पे देख के अपने में बोलता रहता है वो। चलिए गाइस अभी बंद करते हैं, हम पहले अभी जा रहे हैं रोटी बनाने, अम्मी ने पत्ते की सब्ज़ी बना दी है, रोटी बनाना है, दीपाली लेके जा चुकी है सब्जी, दिख गया तुमको, मज़ा तभी आता है जब अरे शफल ही नहीं था भाई, तुम्हारा देखें कार्ड शफल ही नहीं है, येलो येलो दोनों लोग में ज़्यादा आया है, पहले कर लो शफल, कोई मतलब नहीं, एक भी प्लस फोर नहीं है। चलिए गाइस मिलते हैं रोटी बना के, बहुत गंदा लगता है एकदम, वो कार्ड्स वाला लगता है देख के। पैसा ही पैसा, कितना हम सोचे 12,000 तो नहीं क्या होगी, 1200 तो तुम ज्यादा लोग के यहाँ गई होगी, मांगी होगी, सबकी मम्मा रखती हैं, कोई नया आपके साथ नहीं हुआ है। तो उस टाइम तुम्हारे लिए 1000 बहुत बड़ी बात रही होगी, तुम सांवली भी होगी हो या पतली भी होगी, देखी देखी ये ट्रिक होती है चीटिंग करने की। हम बताते हैं, एक मिनट हम देते हैं दोनों लोग को, हाँ पहले कुरान शरीफ रख लें। गाइस तो कुछ ऐसी बनकर कंप्लीट हो गई है पत्ते की सब्जी।